मंशियात केस में नामजद आर्यन खान अब तक अपनी रिहाई के मुंतजर हैं, ताहम गाहे बगाहे इनकी जेल से मुतल्लिक खबरें सामने आ रही हैं। भारतीय मीडिया ने अपनी हालिया रिपोर्ट्स में मुंबई की बड़ी जेलों में से एक आर्थर रोड जेल, जिसे मुंबई की सेंट्रल जेल भी कहा जाता है, इससे मुतल्लिक कुछ इंकशाफात किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन खान की जेल में गुजारी जाने वाली ज़िंदगी इंतहाई करबनाक है, क्योंकि शहजादों की तरह अपने घर में रहने वाले आर्यन खान को बाथरूम के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में इंकशाफात किया गया है कि 1926 में बनने वाली मुंबई की सेंट्रल जेल में वही पानी दस्तियाब है जो बाथरूम के नलकों में आता है। जेल की दीवारें इंतहाई गंदी हैं, जिनमें से हर वक्त बू आती रहती है। जेल के बाथरूम की लॉक भी नहीं है, जबकि बाथरूम के बाहर भी लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं, जिसके बायस अपनी बारी आने पर ही कोई भी मुलजम अंदर जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इस जेल में चूहों और छोटे मोटे कीड़ों की भरमार है, जबकि कैदियों की कोई राजदारी नहीं है। याद रहे कि बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 2 अक्टूबर की रात मुंबई के साहल पर क्रूज शिप पार्टी से मंशियात रखने के इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। वो इन दिनों जेल में है।